हाय, दिस इज जस्मिन पटेल एंड यू आर वाचिंग जस्ट टेक। दिस इज स्पेशल स्पेस सीरीज एपिसोड नंबर 2। अगर आपको स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आप ये सारे स्पेस के कॉम्प्लेक्स मैटर्स को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये सीरीज के साथ जुड़े रहना। यहाँ पर आपको स्पेस के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहेगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मंगल ग्रह कैसा है, उसका नज़ारा कैसा है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। यहाँ तक हम पहुँचे थे कि मंगल ग्रह के ऊपर इंसान आज शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता है, वहाँ पर कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी बातें हम आज के एपिसोड में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की बातें। 3, 2, 1 एंड गो। सबसे बड़ी चीज जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो है ऑक्सीजन, जो मंगल ग्रह के ऊपर सिर्फ 0.13% ही है। वहां पर 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी बात यह कि मंगल ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 100 गुना पतला है, जिसकी वजह से वहां पर जो गैसेस है वो स्पेस में विलीन हो जाते हैं, हवा में विलीन हो जाते हैं, और जो भारी गैसेस होते हैं वो मंगल पर टिक जाते हैं लाइक CO2। ऐसा करते करते वहां पर 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड रह गया है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो एटमॉस्फेयर इतना पतला है उसकी वजह से सूरज की जो किरणें हैं उसका जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट सीधा मंगल की सतह पर पड़ता है बिना फिल्टर हुए, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये हम सब जानते हैं। हमारे पृथ्वी की बात करें तो हमारे यहाँ पर ये फिल्टर का काम कौन करता है, पता है ना आपको? ओजोन, जिसको हम रोज का रोज खत्म करते जा रहे हैं। बहुत ही पतला होता जा रहा है हमारा ओजोन का लेयर, लेकिन हमको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है आज, क्योंकि हम सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं, हम हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें ना, तो मंगल का एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर ऊपर लेयर नहीं होता है तो ग्रह की क्या हालत होती है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हमको मंगल के ऊपर एक मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट करना पड़ेगा, जो एक कवच के रूप में काम करेगा, इसकी वजह से जो गैसेस है वहाँ पर वो स्पेस में विलीन नहीं होंगे और सूरज की जो किरणें है उसका जो रेडिएशन है वो फिल्टर होके फिर मंगल की सतह पर पड़ेगा। अब ये सब कैसे मुमकिन होगा, ये सब हम आगे बात करते हैं। अब इसी से जुड़ा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर है -63°C। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह के ऊपर पृथ्वी के कंपैरिजन में 59% ही सूरज की किरणें पहुँच पाती है, और इसी वजह से वहाँ पर जो पानी है वो बर्फ की शक्ल में है, लिक्विड स्टेट में अवेलेबल नहीं है, और वो पानी भी उसके ध्रुवों के ऊपर जमा हुआ है बर्फ के रूप में। ये सारी बातें हम एपिसोड 1 में कर चुके हैं। और इंसान को जिंदा रहने के लिए बर्फ की नहीं लेकिन पानी की जरूरत होती है। बर्फ कितना भी हो कोई काम का नहीं है, उसको गर्म भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका एवरेज टेम्परेचर ही माइनस में है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल ग्रह जो है ना वो हमारे सौर मंडल के हैबिटेबल जोन के जस्ट किनारे के ऊपर आया हुआ है। अब ये हैबिटेबल जोन क्या है ये समझा देता हूँ मैं। देखो, हमारे सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट्स हैं सब के ऊपर सूरज की किरणें अलग अलग मात्रा में गिरती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबका डिस्टेंस अलग अलग है, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो पानी को लिक्विड स्टेट में रख पाए कम से कम उतनी मात्रा में सूरज की किरणें जिस जोन तक जाती है उस जोन को कहते हैं हैबिटेबल जोन। अब हमारी पृथ्वी ये हैबिटेबल जोन के अंदर आई हुई है, इसलिए हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन भी मुमकिन है और पानी भी लिक्विड स्टेट में हमको मिल सकता है। मंगल ग्रह हैबिटेबल जोन के जस्ट किनारे के ऊपर आया हुआ है, वहाँ पर सूरज की किरणें सही मात्रा में नहीं पहुँच पाती है। लेकिन गजब की बात यह है कि आज तक हमारे जितने भी मार्स मिशंस हो चुके हैं उसमें साबित हो चुका है कि मंगल के ऊपर भी पहले पानी तरल अवस्था में था, लिक्विड स्टेट में था, वहाँ पर भी पहले नदी तालाब समुद्र वगैरह थे। अगर वहाँ पर पानी तरल अवस्था में था उसका मतलब यह है कि वहाँ पर पहले सूरज की किरणें सही मात्रा में पहुँचती होगी, और ऐसा तभी मुमकिन है अगर मंगल ग्रह पहले हैबिटेबल जोन के अंदर होगा। एनीवे, आज नहीं है तो अब क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और एक प्रॉब्लम यह है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा जहरीली है, वहाँ पर किसी भी जीव का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी घूम फिर के वहीं पर आ जाएगा कि उसका एटमोसफेयर जहरीला है, वो ऐसा क्यों है, ये सारी बातें मैं अभी कर चुका हूँ। तो ये सब तो थे प्रॉब्लम्स, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये करना पड़ेगा हमको कि वहाँ पर एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे? तो जापान के NIFS के वैज्ञानिकों ने इसका सॉल्यूशन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर सुपर कंडक्टिंग रिंग्स बनाएंगे, रेफ्रिजरेटेड लैटिट्यूडनल सुपर कंडक्टिंग रिंग्स, ये इसका पूरा नाम है।
उनका जो भी रिपोर्ट है जापान के वैज्ञानिकों का सुपर कंडक्टिंग रिंग्स के लिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको देखना है कि वो रिंग्स कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो। इन सुपर कंडक्टिंग रिंग्स के अंदर करंट पास किया जाएगा, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड, वो भी इंसान के कंट्रोल में होगा, उसको मैन्युअली वो ऑपरेट कर पाएगा, और उसी की वजह से एटमोस्फेरिक शील्ड भी क्रिएट कर पाएंगे। अगर हम एक ऐसा शील्ड बना लेते हैं, एक ऐसा कवच बना लेते हैं मंगल के एटमॉस्फेयर में, तो बहुत सारे इश्यूज मंगल के सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि वो फिल्टर का प्रॉब्लम है, गैसेस का प्रॉब्लम है जो बाहर निकल जाते हैं, वो सारे इश्यूज सॉल्व होने के चांसेस है। ये सारे हाइपोथीसिस है जिसकी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें थियरीज में है, इक्वेशंस में है, और जितने भी इन्वेंशन आज तक इंसान ने किए हैं वो सारे इन्वेंशंस पहले थियरीज में ही थे, इक्वेशंस में ही थे। बाद में जैसे जैसे इंसान ग्रो करता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे वैसे वो प्रैक्टिकली उसे एग्जीक्यूट करता गया। इसका और एक सॉल्यूशन है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, वो भी जान लेते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि इंसान को मंगल और सूरज के एग्जैक्ट बीच में एक डायपोल क्रिएट करना पड़ेगा। ये डायपोल क्या होता है ये हम स्कूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का, दो इक्वल बट अपोजिट नेचर के दो चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। तो अगर हम मंगल और सूरज के एग्जैक्ट बीच वाले पॉइंट पर ऐसा कोई डायपोल क्रिएट कर पाए, तो वो डायपोल मंगल के पोल्स की तरह काम करेगा, उसके ध्रुव की तरह काम करेगा, और ऐसा करके हम मंगल के ऊपर आर्टिफिशियल बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाएंगे, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी वजह से ये जो खतरनाक सोलर वाइंड्स उसकी तरफ जा रही है, उसकी सतह के ऊपर टकरा रही है, वो नहीं होगी। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक कवच तैयार हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। अगर ऐसा कोई कवच तैयार हम कर लेते हैं दोनों में से किसी भी तरीके से, तो वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ वहाँ पर जमा हुआ है वो पिघलेगा और पानी लिक्विड स्टेट में आएगा। पानी की वजह से बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं वहाँ पर, जैसे कि ग्रीनरी भी हो सकती है, क्योंकि अब हार्मफुल जो रेज है वो भी सूरज की वहाँ पर नहीं आ रही है। जैसे जैसे वहाँ पर ग्रीनरी बढ़ेगी, वो लाल मंगल ग्रह हरा होता जाएगा हमारी पृथ्वी की तरह। जब तक वहाँ पर सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं हो जाता कि इंसान, हमारे एस्ट्रोनॉट्स विदाउट स्पेस शूट वहाँ पर घूम सके, तब तक वहाँ पर इंसान डोम बना के रह सकता है। अब ये डोम्स के अंदर क्या होता है कि वो आर्टिफिशियली लाइट, टेम्परेचर, सब कुछ आर्टिफिशियली मेंटेन कर सकता है। और इसी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए दुबई के रेगिस्तान में एक मार्स साइंस सिटी बनाया जा रहा है। वहाँ पर रेगिस्तान के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से डोम्स बनाए जा रहे हैं। ये जो इनका प्लानिंग है, ऑन पेपर प्लानिंग है मंगल के लिए, वो पूरा प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये सिटी बनाया जा रहा है, जहाँ पर सब कुछ उसके कंस्ट्रक्शन से लेकर सब कुछ उसी तरीके से किया जाएगा जैसे वो लोग मंगल के ऊपर करने वाले हैं। मतलब ये इंसान डायरेक्ट वहाँ पर ऐसे करके नहीं बनाएगा, ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू ये सब कुछ बनाया जाएगा। और अगर ये सब कुछ सफल रहा तो ये पूरा प्लान और ये सॉल्यूशंस मैंने जो बताया मैग्नेटिक फील्ड के, ये पूरे सीधे के सीधे मंगल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको कुछ सालों के अंदर ये हेडलाइंस देखने मिले न्यूज़पेपर की कि हमारी दुनिया मंगल तक पहुंच चुकी है, तो चौंक मत जाना। ओके, तो आज की बात यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करना, इट्स ओके। अच्छा नहीं लगा है तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि भाई अच्छा नहीं लगा है, लेकिन अच्छा लगा है ना तो डेफिनेटली कमेंट करना, बिकॉज आपके कमेंट से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कुछ बात करना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। आपके जो भी थॉट्स है आप डायरेक्टली मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन मी हियर ऑल्सो। आपका कोई मनपसंद टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी कर सकते हो, जो भी है शेयर कर सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। Thank you.